किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे मछली उत्पादों में मूल्य संवर्धन के संदर्भ में और इससे किस तरह से ये आजीविका का स्रोत बन सकता है। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक सुश्री दीपिता आरपी। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन का सवाल है मछलियों के उत्पादों के संदर्भ में, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं, मछली प्रोटीन का एक आसानी से पचने वाला स्रोत है और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक प्रचुर मात्रा का पूल है, जो इसे एक प्रमुख स्वास्थ्य भोजन बनाते हैं। लेकिन ये संरचना प्रजातियों के साथ बदलती है। मछली आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, पूफा, आवश्यक अमीनो एसिड और कई अन्य स्वास्थ्य घटकों जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर है। अनाकर्षित दिखने, रंग, आकार, स्वाद, बनावट और उच्च वसा जैसे अंतर्निहित समस्याओं के कारण अक्सर कम पकड़े गए कैच को पीछे छोड़ दिया जाता है। मछली के कुछ प्रजातियों की मांग में इस असंतुलन के कारण उच्च मूल्य की प्रजातियों का शोषण हुआ है और अन्य पकड़ में कमी आई है। मूल्य संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण के दौरान कच्चे माल के मूल्य को बढ़ाते हैं ताकि अंतिम उत्पाद की कीमत में समग्र वृद्धि होती है। यह विधि सबसे अच्छा वैकल्पिक तरीका है जिससे कम उपयोग किए गए संसाधनों का सही उपयोग होता है। वर्तमान में मूल्य संवर्धन उच्च अंत मूल्य श्रृंखला के उत्पादों के साथ उभर रहे हैं, जैसे फ्रोजन झींगा, कटलफिश, फिलेट्स, सुरमी, एनालॉग उत्पाद आदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। मैडम, जहाँ तक मूल्य संवर्धन से जो आजीविका या रोजगार का सवाल है, तो मेरे ख्याल से महिलाएं इससे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई होती हैं, तो उनकी आजीविका और रोजगार के लिए इसका क्या योगदान हो सकता है? तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे राष्ट्र के सभी तटीय राज्यों और द्वीपों में मछली पालन आजीविका के लिए एक प्रमुख आय स्रोत है। मछली पकड़ने के समुदायों में महिला मछुआरों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली को पकड़ने के बाद उसकी पूर्व प्रसंस्करण यानी कि प्री प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण और विपणन में भी महिलाओं का बहुत योगदान है। मूल्यवर्धित मछली उत्पादों को विकसित करना एक अत्यधिक लाभदायक कार्य है, जहां कमाई घर बैठे की जा सकती है। महिलाएं खाना पकाने में अधिक रुचि रखते हैं और मछली से बनाने वाले अधिकतम मूल्यवर्धित उत्पाद जो है उसमें कुकिंग यानी कि खाने पकाने का जो कला है वो बहुत अनिवार्य है। इसलिए उनमें से अच्छे उद्यमियों को बनाना एक आसान काम हो जाता है। मैडम, जहाँ तक स्थानीय बाजार का सवाल है, तो यहाँ पर मछली उत्पादों की क्या मांग आप लोग देखते हैं? वर्तमान में भारतीय बाजारों में आमतौर पर उपलब्ध विविध मछली उत्पादों में मछली का अचार, मछली से बना हुआ पापड़, वेफर, चकली, कटलेट आदि शामिल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमा और सुरमी आधारित उत्पादों की भारी मांग है। कीमा मछली के मांस का घात ही खड़क है, जिसे अगाध्य भाग जैसे पैमाने, पंख, त्वचा और हड्डियों से मशीन या हाथ के उपयोग से अलग किया जाता है। यह आमतौर पर एक अंतर उत्पाद के रूप में काम करता है। इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे फिश बॉल, फिश बर्गर आदि। अगला है सुरमी। सुरमी पानी से धोया हुआ मछली का कीमा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजारों में सबसे अधिक कीमत वाली वस्तु है। पानी से धोने के कारण इसे एक कुंद स्वाद है, लेकिन इसको एक अनूठी बनावट है जो इसके उच्च कीमत के लिए जिम्मेदार है। सुरमी की तैयारी एक प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसकी तैयारी के लिए सभी मछलियां का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कम वसा वाले और सफ़ेद मांस वाली मछलियां सुरमी तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो ये जो मछली के उत्पाद, जैसे आपने बताया सुरमी बनाते हैं या जो दूसरे जो उत्पाद हैं, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होंगी मैडम? विभिन्न प्रकार के तरीके हैं इसमें, तो हम लोग एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला है व्यक्तिगत रूप से त्वरित जमे हुए उत्पाद। तो पिछले कुछ वर्षों में मछली और मत्स्य उत्पादों के हिमीकरण के सिलसिले में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव जैसे कि ठंडा झींगे को पारंपरिक समूह तरीकों से जमाने के बदले व्यक्तिगत रूप से त्वरित जमे हुए उत्पादों का निर्माण करना है। झींगा के मत्स्य पालन के आगमन और प्रसार की वजह से विशेष रूप से उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से त्वरित जमा करने की प्रक्रिया बहुत लोकप्रिय हो गई है। मत्स्य पालन तरीके की खेती की गई झींगा के फसल को पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान निकालने की सुविधा का लाभ है।
यह सुविधा उन्हें ताज़ा संभव स्थिति में व्यक्तिगत त्वरित रूप से जमा करने में सक्षम बनाती है। इस वजह से अधिकांश खेती की गए झींगे पूरे IQF रूप में जमाते हैं। इसी तरह लॉबस्टर, स्क्विड, कटलफिश, अलग अलग किस्मों के मछलियों को व्यक्तिगत रूप से त्वरित जमे हुए शैली में भी संसाधित किया जाता है। मांग में IQF उत्पादों में कुछ झींगा, पूरे पके हुए लॉबस्टर, लॉबस्टर मांस, कटलफिश पट्टिका, स्क्विड ट्यूब, स्क्विड रिंग, उबले हुए क्लैम मांस और त्वचा रहित और सफ़ेद दुबले मछली के बिना हड्डी के पट्टिका यानी कि फिलेट आदि आते हैं। जहाँ तक झींगा की बात है, विशेषतः विभिन्न रूपों में जैसे कि पूरे, छिलके और डीवेंड, पकाया हुआ, बिना सिरके, बिना छिला, तितली, पंखे जैसे पूंछ और गोल पूंछ झींगा अधिक मांग में है। दूसरा है त्वरित जमे हुए सूखे उत्पाद। त्वरित जमाने सुखाने का उपयोग अब उच्च मूल्य के खाद्य उत्पादों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में जमे हुए स्थिति में उत्पाद बहुत उच्च वैक्यूम के अधीन होता है, जिससे बर्फ के स्फटिक उदात हो जाते हैं। उत्पाद में संकोचन की अनुपस्थिति में 95% तक त्वरित पुनः जलयोजन, न्यूनतम गर्मी प्रेरित क्षति आदि जैसे फायदे हैं। भारत में यह तकनीक अब झींगा, स्क्विडरिंग आदि के प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल की जाती है। विभिन्न तैयार उत्पादों जैसे कि मछली और सीपदार मछली द्वारा बनने वाले उत्पादों के लिए इस तकनीक का उपयोग अपार है। अब तीसरा है ऊष्म संसाधित उत्पाद। कैनिंग उद्योग में विशेष रूप से कंटेनरों के डिजाइन और विकास, कैनिंग उपकरण और उत्पादों के प्रकृति और प्रकार के संबंध में व्यापक तौर पर विकास हुआ है। हाल ही में विकसित किए गए कुछ कंटेनरों में मुकरने वाले थैली यानी कि रिटॉर्टेबल पाउच, कठोर प्लास्टिक के कंटेनर, एल्यूमिनियम के डिब्बे, टिन प्लेट से बने विकृत यानी रेखांकित लोहे के डिब्बे, रिंग या पुल टेप के साथ आसानी से खुलने वाले डिब्बे हैं। रिटॉर्टेबल पाउच ऊष्मा से सीलबंद प्लास्टिक कंटेनर के तथा पुल या रिंग टेप के साथ आसानी से खुलने वाले डिब्बे की ऊष्म प्रसंस्करण प्रक्रिया दबावयुक्त ऑटोक्लेव में की जाती है, जिनमें कई मॉडल अब उपलब्ध हैं। हाइड्रोस्टैटिक कुकर, स्टेरलाइजर का इस्तेमाल करके समुद्री उत्पाद के गर्मी प्रसंस्करण की उच्च तापमान, कम समय प्रक्रिया आदि उपकरण और मशीनरी के क्षेत्र में नई पद्धति खोज है। अगला है लेपित उत्पाद। मूल्यवर्धित उत्पादों के समूह के बीच सबसे प्रमुख मछली और सीपदार मछली की एक किस्म से संसाधित बैटर्ड और ब्रेडेड उत्पाद है। बैटर्ड और ब्रेडेड उत्पाद एक सुविधा भोजन प्रदान करते हैं, जिसे उपभोक्ता बहुत पसंद करते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जो प्रत्येक ही एक या दो पस्त कोट के बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्पाद के आकार को बढ़ाते हैं और लागत तत्व को कम करते हैं। पस्त और ब्रेड क्रम्स कोटिंग के पिकअप को पस्त के खनापन को समायोजित करके या कोटिंग प्रक्रिया का दोहरा कर बढ़ाया जा सकता है। इस तरह ऐसे उत्पादों में मछली का खड़क न्यूनतम 50% होना चाहिए। बैटर्ड और ब्रेडेड उत्पादों के उत्पादन में कई चरण शामिल हैं। विधि वांछित उत्पाद और पिकअप के प्रकार के साथ बदलती हैं। ज़्यादातर मामलों में जो चरण में शामिल है वो है, सबसे पहला है भाग करना यानी कि रचना करना या आकार देना, दूसरा है पूर्व पींच डालना, तीसरा है पस्त लगाना, चौथा होगा ब्रेड क्रम्स लगाना, फिर अंशतः तलना, हीमीकरण और पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज। विभिन्न प्रकार के पके हुए ब्रेडेड उत्पादों को झींगा, स्क्विड, क्लैम, फिश फिलेट्स, कम लागत वाले मछली से कीमा बनाया हुआ मांस आदि से तैयार किया जा सकता है। अब है स्क्विड से बनाया हुआ उत्पाद, उसमें स्क्विड रिंग्स आएगा। साफ स्क्विड नलियों, ट्यूबों को चक्राकार यानी कि रिंग में काटा जाता है। इसके बाद एक दो मिनट के लिए उबलते नमकीन पानी, 3% तक जो नमकीन पानी है उसमें पकाया जाता है। फिर उन्हें ठंडा करने के बाद पस्त और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग दी जाती है। लेपित और कोटेड स्क्विड रिंग्स को 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 सेकेंड के लिए तला जाता है, ठंडा किया जाता है और जमाने के बाद पैक किया जाता है। अब है कीमा आधारित उत्पाद। कई प्रकार के उत्पादों जैसे मछली के सॉसेज, केक, कटलेट, पैटी, बॉल्स, पेस्ट, सुरमी, टेक्सचराइज उत्पाद इत्यादि बनाने के लिए मछली के मांस का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रिया उपलब्ध है और उनमें से कुछ लघु उद्योग शुरू करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अभी है सुरमी। सुरमी एक जापानी शब्द है जिसे मछली के मांस को यंत्रवत रूप से अलग करके पानी से धोके तैयार किया उत्पाद है।
जिसको जमे हुए स्थिति में अचल जीवन प्रदान करने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के साथ मिलाया जाता है। अच्छे धुलाई से न केवल वसा और अवांछनीय पदार्थ जैसे रक्त, रंजक और गंधक पदार्थ दूर होते हैं, बल्कि यह मायोफाइब्रिला प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी सामग्री से जल की ताकत और उत्पाद की लोच सुधार होता है। शेलफिश एनालॉग जैसे विभिन्न उत्पादों को विकसित या निर्माण करने के लिए इस गुणवत्ता का उपयोग किया जा सकता है। और आखिरी है गूंदे हुए यानी नीडेड उत्पाद। कई गूंदे हुए उत्पाद जैसे कामाबोको, चिकवा, हैम्पन, मछली, हैम और सॉसेज को सुरमी का उपयोग करके और अन्य सामग्री को शामिल करके संसाधित किया जाता है। अधिकांश तैयारियों में प्रयुक्त सामग्री समान है, हालांकि वर्गीकरण मुख्य रूप से शामिल विनिर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। सुरमी के अलावा अन्य सामग्री में नमक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चीनी, स्टार्च, अंडे का सफ़ेद भाग, पॉलीफॉस्फेट और पानी शामिल है। इन सभी उत्पादों को संसाधित करने की विधि में विभिन्न सामग्री को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह पेस्ट बनाया जाता है और कुछ चरण में किसी प्रकार का ऊष्म उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिल्कुल, तो मैडम आपने बड़े विस्तार से जो मछली के जो विभिन्न उत्पाद हैं उसको कैसे बनाएं इसके तकनीक के बारे में बताया। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीपों का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर मछली उत्पादों की मांग कितनी है, कैसी है, आपने क्या देखा है? जहाँ तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे समुद्री मत्स्य क्षमता लगभग 1.49 लाख टन है, जिसमें आज तक केवल 40,000 टन की मछली का ही पकड़ हुआ है। इसमें से यह निर्यात बाजार और घरेलू बाजार दोनों के लिए चला जाता है, लेकिन द्वीप परिचय में जब इसकी विशाल क्षमता की तुलना में केवल क्षेत्र में नगण्य कार्य किए गए हैं। विविध मत्स्य उत्पादों में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक उत्पादों के साथ सुरमी और एनालॉग उत्पाद भी शामिल होंगे। मछली से बनाया हुआ चकली, सेव और पापड़ जैसे पारंपरिक उत्पाद द्वीपवासियों के लिए एक प्रमुख स्नैक आइटम बन सकते हैं। साथ ही स्थानीय बाजारों में इसकी अच्छी मांग होगी। अंडमान मछली प्रजातियों का उपयोग द्वीप की प्रजातियों की विविधता और मुख्य द्वीप प्रजातियों से मांस की गुणवत्ता भिन्नता के कारण एक अद्वितीय शीर्षक यानी कि ब्रांड का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा मिंस यानी कि कीमा और सुरमी आधारित उद्योग मत्स्य क्षेत्र की उभरती हुई मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकाएं हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर दीप्ता आपने हमारे द्वीपों में मछलियों के जो उत्पाद बनाने की जो संभावनाएं हैं, साथ ही जो मछलियों के क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, मूल्य संवर्धन उनमें कैसे हो सकता है, बड़े विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।